तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इसकी जो रेटिंग है वो है 2.8 की, 2.8 की रेटिंग है। और दोस्तों ये मार्केट में बिल्कुल नया पे लेटर आया है। आपको पता है पे लेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी के चलते पे लेटर बहुत सारे जो प्ले स्टोर पर आ रहे हैं नए नए। सो गाइस देखो, हमारा काम है सभी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पे लेटर कैसे काम करता है। तो देखो भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ जो वो रियलिटी के साथ बना रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो पता नहीं कहाँ पर कौन सा पार्ट्स मिस कर जाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर इस पे लेटर में अगर हम आपको अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे तो भैया स्क्रीन ब्लैक होती है, जिसकी वजह से हम आपको जो है प्रूफ इसका बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे, हम सिर्फ आपको जानकारी बता पाएंगे, ठीक है। देखो जैसा कि ये बता रही है पे लेटर पेमेंट ऐप, ठीक है। यहाँ पर इस पे लेटर की लिमिट को आप फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, ठीक है, आप सभी प्रकार के QR कोड को जो है स्कैन करके आप जो पैसा जो है बैंक में निकाल पाओगे, ठीक है। तो भाई कितना सही है कितना गलत है वो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस पेलेटर से आपको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। और ये पेलेटर मार्केट में बिल्कुल नया आया है, ठीक है फ्रेंड। और अभी 2.8 की रेटिंग है, आगे बढ़ भी सकती है। इसके डाउनलोड जो है वो 1000 लोग हैं, ठीक है। 17 जनवरी 2023 को ये रिलीज हुआ था प्ले स्टोर पर, ठीक है फ्रेंड। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये RBI रजिस्टर्ड भी नहीं है, NBFC पार्टनर भी नहीं है, ठीक है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी भी ऐसे एप्लीकेशन में ना फंसो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ये पे लेटर दोस्तों आपको पे लेटर की लिमिट देने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसा बनाया है इन्होंने डिजाइन, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। पे लेटर की लिमिट देने के लिए आपसे ये प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं, उसके बाद में कोई भी लिमिट आपको नहीं दी जाती है। जैसा कि कमेंट में आप रीड कर लेना, कमेंट में बताया फर्स्ट आल ट्रू एंड रिकॉर्डिंग रिव्यू 699 एक्टिवेट पे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पर इनसे 699 लिया है, लेकिन फिर भी इनको कोई भी लिमिट नहीं मिली है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो भैया ऐप की जो है खरीदे भाई रिव्यूज है, तो आपको जो है एक रिव्यूज को फोकस नहीं करना है, बहुत सारे रिव्यूज पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने इस पे लेटर में अकाउंट ओपन करके देखा था तो मुझसे 399 रुपये का चार्ज मांग रही थी ये पे लेटर, उसके बाद हम बोलते थे आपको जो है लिमिट दी जाएगी। सो दोस्तों मैंने सोचा आपको वीडियो बना दो, हो सकता है आपके साथ भी कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी प्रकार की आपको लिमिट नहीं देगा। जो ये सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगता है, अगर वो सब्सक्रिप्शन चार्ज आप पे कर देते हो तो आपको आगे चल के कोई भी लिमिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे किसी भी पे लेटर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, और ना ही अकाउंट ओपन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।